हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से लेकर आ गई हूँ मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग। और ये ब्लॉग ना मंडे का ही है, पर मुझे ना अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया है, तो आज मैं मंडे वाली ब्लॉग डाल रही हूँ। और ये देखो, आज मौसम बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसके बाद ही ना जस्ट बारिश होने लग गया था। तो अभी मैं ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसे दिखा दे रही हूँ। और मतलब बहुत ही अच्छा सीन था तो मैंने रिकॉर्ड किया था। और चलो आज की ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आज है मंडे और मुझे जाना है मंदिर। उससे पहले ना माही यहाँ पे स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई है। टाइम हो गया है, 7 बज गया है सुबह का, और माही बिल्कुल रेडी शेडी होके बैठी हुई है। और जब इसका टाइम हो जाएगा ना तभी जाएगी अपने पापा के साथ, क्योंकि ये वैन से नहीं जाती है, अपने पापा के साथ ही जाती है। बस आने समय ना मतलब स्कूल से जब ये आती है तो वैन से चली आती है। और ये बस रेडी होके बैठी हुई थी। तो ये देखो, माही तो चली गई है स्कूल और मैं आ गई हूँ मंदिर। और इनके पापा भी ऑफिस चले गए थे, इनके पापा ना ऑफिस जा रहे थे, उसी टाइम मैं भी बोली मैं तैयार हो जाती हूँ, मुझे मंदिर उतार दीजिएगा और फिर आप चले जाइएगा। तो उन्होंने वैसा ही किया था, मुझे मंदिर छोड़ दिए थे और फिर ये ऑफिस चले गए थे। तो मैं और किट्टू दोनों मंदिर आए हुए अभी। और ये हैं हमारे भगवान जी। और यहाँ पे देखो बाहर शिवलिंग है और इतना सारा दूध बह रहा था, मतलब सभी इनके दूध चढ़ाया था ना, सब वेस्ट हो रहा था ऐसे। देखो किस तरह से उसमें ना सभी का पाँव भी लग रहा था, ये चीज़ मुझे बहुत ही बेकार सा लगा। देखो कितना सारा दूध ऐसे ही बह रहा है ना, और इस पर किसी का पैर भी लग रहा था ये वो। और एक इधर है देखो भगवान जी बैठे हुए, इधर शनिदेव थे और एक शिवलिंग छोटा सा है। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है। और सोमवार के दिन ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। तो मैं और किट्टू देखो पूजा करने के बाद ना थोड़ा सा अंदर आके वीडियो बनवा रही थी। तो देखो एक दीदी थी, मतलब हम लोग के साथ नहीं आई थी, वहीं पे एक दीदी थी खड़ी, तो मैंने उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए दिया था और उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। ये देखो थोड़ा सा, और फिर चलो अब मैं भगवान जी को दिखाती हूँ। देखो बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, मतलब मुझे तो ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ देखो भोले बाबा और पार्वती माता दोनों साथ में बैठे हुए, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। देखो बहुत ही क्यूट क्यूट लग रहे हैं ना दोनों। और अगर आप ये मंदिर घुमाओगे ना तो आपको बहुत ही मतलब बार बार जाने का मन करेगा, वो ऐसा मंदिर है। और एक ये देखो इधर भी पार्वती माता है और इधर बजरंगबली है ये देखो। और आप सभी को एक चीज़ और दिखाऊंगी, ये देखो स्क्रीन क्राफ्ट प्रोडक्ट कैसा है ये तो मुझे नहीं पता, यूज करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इंस्टाग्राम से इसे मैंने मंगवाई थी, वहाँ इसका ना बहुत सारा लिंक शेयर किया हुआ रहता है, वीडियो बना हुआ रहता है, तो मैं भी सोची चलो मंगवा कर देखती हूँ। और ये फर्स्ट टाइम मैं यूज करूँगी स्क्रीन क्राफ्ट को। और स्क्रीन क्राफ्ट है कैसा ये तो बाद में ही दिखाऊंगी, मतलब बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन फ़िलहाल तो मैं कुछ दिन इसे यूज करके देख लेती हूँ, है ना। तो इसमें ये देखो दो चार चीज़ मिला था, मतलब एक तो था फेस क्लीनर और एक मसाज था और एक जो वो होता है ना सीरम वो था और एक और था वो स्पॉट के लिए था। तो ये देखो स्क्रीन क्राफ्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज किया है और इसे मैं फ़र्स्ट टाइम यूज करूँगी, है ना। इसका ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है इंस्टाग्राम पे, तो भी बहुत ही ज़्यादा इसका ही वीडियो डाला हुआ रहता है। मैं सोची चलो मंगवा कर देखती हूँ, है ना। अगर आप ऐसे एक एक करके लेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, लेकिन आप साथ में मंगवाएंगे ना सारे सारे प्रोडक्ट को तो ये थोड़ा सस्ता आता है ना। ये जो स्किन क्राफ्ट प्रोडक्ट है ना मुझे पड़ा था 1199, है ना। तो अपने हिसाब से उसमें क्या होता है ना, इंस्टाग्राम पे लिंक डाला हुआ था, मैंने वहाँ पे सर्च किया, फिर उसके अंदर गए ना तो वहाँ पे हमारे स्किन के बारे में कुछ पूछा गया था, मतलब क्वेश्चंस था उसे फिल करना था, तो मैंने फिल किया। उसके बाद उन्होंने ये वाला जो प्रोडक्ट है ना हमें सजेस्ट किए हैं, और देखती हूँ कैसा है, है ना, इसे यूज करने के बाद ही पता चलेगा ना। और ये है इसका बिल, ये देखो 1199 का, और इससे ना टैक्स भी लगा था, 1800 रुपये इसका टैक्स था, तो टोटल मेरा 1199 रुपये लगा है। अब देखो कैसा है ये तो मुझे नहीं पता, एक बार यूज कर लूँ उसके बाद मैं आप सभी को दिखाऊंगी, है ना, कि ये प्रोडक्ट रियल में काम करता है या नहीं। क्योंकि ना देखो मेरे फेस में कुछ भी नहीं था ज़्यादा, कोई भी दाग धब्बा नहीं था, ना पिंपल्स था ना कुछ और था, लेकिन मैंने मंगवा लिया थोड़ा
फर्स्ट टाइम यूज करके देखना था तो मैंने मंगवा लिया, और जो भी मुझसे पूछा गया था मेरे स्किन के बारे में मैंने उसे फिल किया था, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है। इसका स्मेल है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो मैं अभी यूज करूँगी, उसके बाद ना इसका रिव्यू डालूँगी अपने चैनल पर, ठीक है। और बहुत ही अच्छा, देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखो, और यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा ना ये प्रोडक्ट आखिर है कैसा। तो चलो मैं इसे यूज करूँगी, उसके बाद आप सभी के साथ शेयर करूँगी और ब्लॉग को आगे लेकर चलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ही आज मैं दिखाने वाली हूँ अपने मंकी को। यहाँ पे ना मेरे मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ अभी वहाँ पे बहुत सारा मंकी आता है भाई, डेली ऐसा नहीं है एक दिन आएगा, डेली ही आता है, झुंड में बनकर आता है। और ये ना ये देखो चप्पल चुरा लिया है, और इनके पापा भी माही को छोड़ने जा रहे हैं, तो वो भी बाइक से नीचे ही हैं अभी, वो गए नहीं हैं। तो मंकी ने ना एक चप्पल चुरा लिया है और अभी ये नीचे फेंकेगा, आप सभी देखिएगा खुद से है ना ये किस तरह से चप्पल चुराता है और फिर नीचे फेंक देता है। और ये देखो बहुत सारा मंकी और ऊपर आ रहा है। तो इसमें जो छोटा बच्चा है ना मंकी का, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और ये देखना मुझे छुप छुप कर देखिएगा, मतलब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ये जो सबसे छोटा वाला बच्चा है वो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। वो ना मुझे देखना दीवार के पीछे से छुप छुप के देखेगा, आप सभी वीडियो में देखते रहना और गौर करना थोड़ा, तभी आपकी बेबी मंकी का वो शरारत पता चल पाएगा। तो ये देखो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है मुझे तो देखने में, मेरे बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसे देखने में, है ना। तो अभी ये देखो मंकी लोग ना अपना मस्ती कर रहा है और मैं इधर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो चलो जो बेबी मंकी है ना उसे मैं दिखाती हूँ। ये जो छोटा वाला मंकी होता है ना, सबसे छोटा वाला, ये देखो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और ये देखो मुझे किस तरह से छुप छुप के देखेगा, आप सभी देखना एक बार, है ना। और देखो अपने बच्चे को बहुत ही ध्यान से रखता है भाई मंकी, कहीं ये गिरे ना, है ना। देखना इस छोटे वाले बेबी मंकी को देखना मुझे किस तरह से देखेगा अभी, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था पता है, ये छुप छुप के देख रहा था मुझे। तो ये देखो मंकी को भी मैं दिखाती हूँ, ये देखो वाह कितना क्यूट लग रहा है ना, ये देखो बिल्कुल छुप छुप के मुझे देखेगा। और ये देखो कितना अच्छा से झांक रहा है मुझे, इसे लग रहा था शायद ये भी फ़ोटो खिंचवा रहा था शायद अपना, है ना। बहुत ही अच्छे से देखो छुप छुप के मुझे देख रहा था। और जब इनकी मम्मी जाने लगी थी ना तो ये चलते से ये देखो पीठ के ऊपर बैठकर चला गया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है मेरे छोटे मंकी जो होता है ना सबसे छोटा वाला उसे देखने में। और आज मौसम बहुत अच्छा था, मैंने थोड़ा सा इसे रिकॉर्ड किया है आप सभी को दिखाने के लिए। ये देखो बहुत ही अच्छा नज़ारा है, लेकिन ना थोड़ी देर इस तरह से रहा, उसके बाद ना अचानक से तेज बारिश आ गया, बहुत ही तेज़ बारिश। और टाइम हो गया था 1:01 हो रहा था, बहुत तेज़ सी बारिश और हवा चला था, और मौसम बिल्कुल ऐसा ही था साफ साफ, लेकिन बारिश बहुत तेज़ की आई थी। अभी मैं उसे भी दिखाऊंगी थोड़ा सा। और आज की मेरी यही छोटी सी एक ब्लॉग थी, आप सभी को अच्छा लगा होगा, अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना। और ये देखो बारिश का नज़ारा, अभी बारिश होने लग गया है, और इधर एक साइड देखो मौसम भी कितना साफ साफ सा है, और बहुत ही अच्छा सीन था। तो गाइज आप सभी को हमारी आज की ब्लॉग कैसी लगी, यही है हमारी आज की छोटी सी ब्लॉग, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।